ये हमारा गेट खोलने से लाइट चालू हो गई है। ये हेलो फ्रेंड्स, अल्टो 800 है ये, इसके अंदर हम लाइट लगाएंगे डैशबोर्ड के नीचे। हमारी लाइट लगी है डैशबोर्ड के नीचे, हम लाइट लगाएंगे, ब्लू कलर की लाइट है ये। इसका कनेक्शन हम करेंगे डोर स्विच से, ताकि हमारा गेट खोलेंगे तो लाइट जल जाएगी। और गेट सबसे पहले ये कवर खोलना पड़ेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके लिए हमको डोर स्विच का तार निकालना पड़ेगा इसके अंदर से, उसमें माइनस आता है और एक प्लस वाला तार लेना पड़ेगा। ये दोनों कवर खुलेंगे हमारे, और एक अलग कवर खुलेगा। खोलते अब हम इसको, तो हमने कवर खोल दिया है ये। इसका जो डोर स्विच का तार है वो ये वाला तार है, ग्रीन ब्लैक धारी का। इस पर माइनस आता है डोर स्विच से, तो हमने एक बार प्लस पर लगा दिया है, और एक बार हम इसको लगाएंगे, कनेक्शन चेक करेंगे पहले इसका डोर स्विच सही है कि नहीं। हमारा बल्ब जल गया ये, अब हम ये डोर स्विच दबाएंगे कि हमारा डोर स्विच सही है। अब हम उस वाले जो दूसरी साइड का गेट है उसका भी एक तार निकालेंगे हम यहाँ पे। उस वाले जो डोर स्विच का तार है वो ये वाला तार है, ब्लैक येलो धारी का। दोनों चारों गेट के जो डोर स्विच आते हैं सबका वायर अलग अलग आते हैं, तो ये हमको आगे दो से ही करना है बस। तो ये रहा वो दोनों तार, ये दोनों तार को हमको आपस में जॉइंट करना पड़ेगा। दोनों आपस में जॉइंट करेंगे जब एक साथ दोनों लाइटें जलेगी हमारी। दोनों वायर हमने आपस में जॉइंट कर दिए है, उसके बाद हमने एक वायर जॉइंट करके इसमें से ये निकाल लिया है, ये वाइट वाला तार है ये हमने निकाल लिया है। हम यहाँ तक लेंगे, एक वायर हम लेंगे प्लस वाला। ये चाबी स्विच पे ये तार आया हुआ है, चाबी स्विच का सॉकेट है ये। ये बैटरी से डायरेक्ट तार आया हुआ है, ये हम बैटरी से लेंगे ताकि हमारी बंद चाबी में भी लाइट जले हमारी। तो दोनों वायर हमने निकाल लिया है यहाँ पे, एक वायर हमने प्लस वाला भी निकाल लिया है। चेक करते हैं हम ये लाइट को, जल रही है हमारी लाइट ये। ये दोनों लाइट के तार हम इसमें जोड़ देंगे। माइनस प्लस हमेशा सीधा लगाना पड़ता है जब ये लाइट जलेगी। कनेक्शन कर दिया हमने, लाइट हो गई हमारी चालू। अब जो उधर लाइट लगाएंगे उसके लिए हम दो तार इसमें से लेंगे, दो तार जॉइंट करके डैशबोर्ड के अंदर से, यहाँ से जगह खाली यहाँ से हम निकाल के उस साइड में दो लाइट लगाएंगे। दो वायर जॉइंट कर लिए हमने इसके, अब हम ये वायरिंग एसी केसी उधर निकालेंगे अंदर से। वायर निकाल लिया हमने अंदर से, अब ये दोनों लाइट हम इसमें जॉइंट करेंगे। ये लाइट भी हो गई हमारी चालू, अब हम बताएंगे कि लाइट कहाँ लगानी है दोनों। तो मैंने लाइट अभी बंद कर दी है, उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा था, कैमरे में सही से दिख नहीं रहा था। तो इसकी जो हम लाइट चिपकाएंगे, ये पीछे डबल टेप लगी है, डबल टेप लिफ्ट निकाल के और इसके अंदर हम फेविक डाल के और एक यहाँ चिपका देंगे ये वाली लाइट, और एक ये जो लाइट है वो हम यहाँ पर चिपका देंगे फेविक मार के। और उस साइड की जो लाइट है वो भी बताता हूँ मैं। इस साइड की जो ये लाइट है, ये लाइट हम चिपकाएंगे यहाँ ब्लोअर मोटर, ब्लोअर मोटर की जो ये बाड़ी है एक इस साइड में चिपका देंगे और एक यहीं पर, दोनों को चिपका देंगे हम फेविक डाल के। तो ये दोनों लाइट हमने चिपका दी इधर ब्लोअर मोटर पर। दूसरे साइड की जो लाइट है वो हमने चिपका दी पावर स्टीयरिंग की मोटर पे। अब पूरी फिटिंग करके चेक करते हैं हम लाइट को, कैसी लग रही है हमारी लाइट। तो हमारी लाइट हो गई है फिटिंग, दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये हमारा गेट खोलने से लाइट चालू हो गई है ये। जब हमारा गेट बंद करने से लाइट बंद हो जाएगी, गेट खोलने से लाइट चालू हो जाएगी। तो गाइस अब इसकी प्राइस की बात करें, जो ये लाइट है वो लाइट बहुत ही सस्ती लाइट है ये, 20 रुपये की एक लाइट है ये। हमने चार लाइट लगाई है, दो इस तरफ 80 रुपये की लाइट है ये। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी।